सेम टॉपिक्स आपको दोबारा 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 गो थ्रू करने चाहिए, चाहे कुछ भी कहे ए बी सी सी बी ए, हमें उसी डायरेक्शन में उसी चीज को याद करना है। जूलॉजी एज इन होल मुझे लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट है थ्रू आउट नीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेनिट। और जैसे कि नीट के लिए 2 महीने रह गए हैं, 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है, तो दीपिका मैम आपका क्या कहना है? जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में लेट्स से कि कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो रह गए हैं मे बी, और कुछ है जिनकी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अच्छे से बना ली है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है कि नीट का पूरा पेपर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता। नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो वही सेम टॉपिक्स आपको दोबारा 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 गो थ्रू करने चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है, मेमोरी कन्वर्जन के लिए शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। बिल्कुल, अगर एक ही टॉपिक रिपीटेड रिवीजन के साथ कर रहे हैं तो वो चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। वो क्लियर भी हो जाएगी और वो तुम्हारे दिमाग के अंदर सेटल भी हो जाएगी। राइट, तो रिपीटेड रिवीजन सबसे ज्यादा नेसेसिटी है, और वो रिवीजन का चेक करने का एक ही तरीका है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, एवरी चाइल्ड नो मैटर उसकी कितनी भी तैयारी है, चाहे वो 5% है, 10% है, 15, कितनी भी रह रही है, कितनी भी है, अपियर फॉर द टेस्ट सीरीज। राइट, ना व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द टेस्ट सीरीज वो पता चलता है कि आपने कहाँ पे टॉपिक मिस हुए। कई बार मुझे लगता है कि एक चैप्टर है स्पेसिफिक, मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट वो टेस्ट देते टाइम तो मुझे पता चलता है ओ ये वाला तो एक टॉपिक जो था वो तो मैंने रिवाइज करा ही नहीं था, वो बाय चांस ही स्किप हो गया। बिल्कुल, तो फिर वो टेस्ट सीरीज के अंदर हमें पता चलता है। तो पार्ट सिलेबस भी हो और कंप्लीट सिलेबस भी हो, बिल्कुल, तो वो अपने आप जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप होने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग, अभी तो हम जैसे 2 महीने बचे हैं उसके लिए कर रहे हैं, बट आई वुड एडवाइस दी स्टूडेंट नॉट ओनली फॉर दी 2 मंथ्स है ना, बट मुझे थ्रू आउट दी ईयर जब मैंने कोर्स इनरोल कर लिया है और मुझे पता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द नेशन, तो मुझे ये श्योर हो कि मैं टेस्ट स्किप नहीं करूँ। नो मैटर माई प्रेपरेशन आई शुड नॉट स्किप द टेस्ट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो टेस्ट आपको एक मिरर शो करता है। बिल्कुल, तो वो बहुत नेसेसिटी है, और मेरी रिक्वेस्ट है ये हर बच्चे के लिए ही कि आप चाहे अभी आप नीट अपेयर कर रहे हैं या मे बी यू विल गेट अनदर चांस टू प्रिपेयर फॉर नीट, आप टेस्ट को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि टेस्ट के साथ आपकी रिविजन अप टू द डेट रहती है। राइट राइट, सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके लिए ये बहुत बहुत गौर करने वाली चीज है कि दोनों ही फैकल्टीज ने हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत ही एम्फेसाइज दिया है, तो आपको बिल्कुल भी टेस्ट स्किप नहीं करने हैं। मेनिट कंडक्टिंग मेनिट स्कॉलरशिप टेस्ट MST ऑन 17th एंड 31st मार्च, चूज द डेट दैट सूट्स यू बेस्ट। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप 2 महीने में जूलॉजी की अगर बात करें तो उसकी कैसी रिविजन हो सकती है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि बच्चा 180 मार्क्स सिक्योर कर ले? जूलॉजी एज इन होल मुझे लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट है थ्रू आउट नीट, बट द चांसेस ऑफ स्कोरिंग लेसर इज ऑल्सो इन जूलॉजी, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, मुझे पता है कि मेरा ही सिस्टम है तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बट उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको माइन्यूटली याद रखनी पड़ती है। अगेन वो याद रखने का एक ही तरीका है, रिपीटेड रिविजन। और अब कंक्लूडिंग है ना, ये तो भाई एनसीईआरटी हमारा बाइबल है, एनसीईआरटी चाहे कुछ भी कहे ए बी सी सी बी ए एक्स वाई जी, हमें उसी डायरेक्शन में उसी चीज को याद करना है। तो एनसीईआरटी विद इन द गैप ऑफ दिस 2 मंथ्स एनसीईआरटी आप लोगों को बहुत बहुत रिपीटेडली पढ़नी है, रिवाइज करनी है, बार बार करनी है अलॉन्ग विद द नोट्स। नो व्हेन यू आर रीडिंग एंड यू आर रिवाइजिंग थ्रू आउट द नोट्स, तो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि टीचर क्लास में भी बताता है कि यार ये क्वेश्चन यहां से आता है, इस फॉर्म में आता है, ये करंट ट्रेंड्स रहे हैं, तो वही एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर आउट होनी शुरू हो जाएंगी। एडिंग एक और पॉइंट, एनसीईआरटी में बहुत सारी डायग्राम्स रहती हैं, तो मेक श्योर यू ऑल सी टू द डायग्राम्स वेरी वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि वो ए बी सी आप लेबल करिए डायग्राम, बहुत बार क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में आपको लेबल करने के लिए देते हैं, तो एनसीईआरटी ऑल एंड ऑल आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसकी एक एक लाइन यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर फॉर स्कोरिंग 180, एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, 180 बहुत कॉमन है कि जूलॉजी में आते हैं। ओके, तो मतलब अचीवेबल है, वेरी वेरी मच अचीवेबल। ओके, ऑलराइट। सो मैम जैसे आपने एनसीईआरटी की बात करी, सो लेट्स से बायोलॉजी में आप कोई स्टूडेंट लेट्स से 2 मंथ सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिविजन करे, क्या वो सफिशियंट है? यस, आई फील दैट दी एनसीईआरटी रिविजन, बट अलॉन्ग अगेन आई एम एडिंग, आप सिर्फ 2 मंथ की रिविजन की बात कर रहे हैं, राइट, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग थ्रू आउट द ईयर, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो टीचर बताता है, नॉट एक्चुअली एक्स्ट्रा, वही सिलेबस को थोड़ा सा एलेबोरेशन में बताया जाता है। बिल्कुल, तो वो एनसीईआरटी को
याद रखने के लिए वो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. बट इन द लास्ट टू मंथ्स एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ यू फील कि एनसीईआरटी का मुझे ये वाला टॉपिक थोड़ा भी कम समझ आ रहा है तो प्लीज रेफर योर नोट्स अलोंग. राइट. मतलब बट एनसीईआरटी आपका मेजर बेस होना चाहिए ताकि आप लोगों को, बच्चों को सब चीजें जो है वो इजिली समझ आ जाए, याद होनी शुरू हो जाए. Right. याद तो बच्चा थ्रू आउट ईयर करता ही है. बिल्कुल. तो ये रिवीजन है, एंड टाइम रिवीजन, जो कि एनसीईआरटी के बेस से होनी चाहिए. ओके. मैम जैसे हमने टेस्ट्स की बात करी तो अब दो महीने की अगर बात की जाए तो रोज फुल टेस्ट्स देने की क्या इम्पोर्टेंस है? वेरी 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 इम्पोर्टेंट. इसीलिए एक टेस्ट सीरीज का कोर्स भी लॉन्च होता है क्योंकि बच्चा जब रिवाइज करता है तो उसकी जो गलतियां हैं वो सिर्फ टेस्ट से ही पता चलती है. दैट इज वाई ऑल द एजुकेशन सिस्टम, इफ यू सी, आपको एक टेस्ट के थ्रू ही सिक्योर करना पड़ता है. आप किसी भी क्लास में भी आगे जाते हैं ना, आप टेस्ट देते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. तो इसी तरह एक बड़े लेवल के पेपर के लिए भी आपको रोज टेस्ट दो. नो, इनिशियली आप थोड़े पार्ट टेस्ट दो. मतलब मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया इनटू 4-8, वो आप उसको दो एंड देन यू प्रैक्टिस दी होल फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज. वो एटलीस्ट अपियर 20-25-30 टेस्ट, मतलब आपको मिनिमम इतने हो. एंड इट इज, वी यूजली से कि हमारा प्रेडिक्शन भी रहता है कि अगर बच्चा टेस्ट सीरीज में स्कोर जितना भी ला रहा है उसका थोड़ा सा मार्क ऊपर ही कर दे वो उतने टेस्ट में आता है. क्योंकि टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना वो टाइम मैनेजमेंट आती है, जो कि बच्चा नॉर्मली पढ़ते हुए नहीं करता. वो 3 घंटे में मुझे 4 सब्जेक्ट किस तरीके से करने हैं वो बताया जा, वो बच्चे को ही पता चलता है ना. सपोजेडली आई एम गुड एट बायोलॉजी बट माई फिजिक्स इज अ वीकर पॉइंट, तो मुझे टेस्ट करते हुए पता चलेगा. बिल्कुल. और उल्टा केस भी हो सकता है सामने वाले स्टूडेंट का, उसको लगता है कि उसको पहले फिजिक्स करनी है, वो फिजिक्स करेगा बायोलॉजी एंड में करेगा. तो ये आपका पैनिक पॉइंट जो रहता है ना कि मेरा फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, वो टेस्ट के टाइम पे ही पता चलेगा. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको टेस्ट कैसे करने हैं. और मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि आप हर टेस्ट को, इनिशियल टेस्ट को, नॉट ऑल, इनिशियल टेस्ट को डिफरेंट स्ट्रैटेजी से सॉल्व करो. सपोजली यू ट्राई पहले बायोलॉजी करो, आपको ट्राई करोगे तो पता चलेगा ना कि मेरे को बायोलॉजी आ रही है. राइट. कि मेरे को केमिस्ट्री आ रही है, मेरे को फिजिक्स पहले करने में मजा आ रहा है. दैट इज व्हाट यू विल गेट टू नो ओनली ड्यूरिंग दी टेस्ट सीरीज. बिल्कुल. प्लस दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दी फिलिंग अप ऑफ दी ओएमआर शीट. ओएमआर कैसे फिल करना है, बबल पूरा सर्कल करना है, आधा करना है, कौन से पेन से करना है, इन द टाइम गिवन स्लॉट ओनली. आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस में नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, दैट ऑल हैज टू बी फिल्ड. तो वो आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही पता चलेगा कि मुझे वो 3 घंटे में मुझे पेपर सॉल्विंग के साथ साथ मुझे ओएमआर शीट भी भरनी है. तो वो बच्चे हमारे थ्रू आउट माई करियर आई हैव सीन, मैंने 150 क्वेश्चन छोड़ना था पर मैंने 151 का आंसर 150 में लगा दिया. थ्रू आउट मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए. राइट. सो वो मुझे आते हुए भी वो मेरा नेगेटिव पॉइंट हो गया. तो वो बच्चे को कहां ही पता चलेगा, वो टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के अंदर ही पता चलेगा. बिल्कुल. सो टेस्ट सीरीज आई फील एवरीबॉडी शुड गिव इन दी लास्ट मंथ. डे वन टेस्ट दैट शुड बी, यू शुड गिव डेली 3 आवर्स, वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए ही होने चाहिए. एंड दी पेपर इज 3 आवर्स 20 मिनट्स नाउ. आप 3 आवर्स में कंक्लूड करो. वो 20 मिनट्स जो आप पैनिक के रखते हैं इनिशियली 20 मिनट्स, आप उसको छोड़ दो. डोंट काउंट इट इन योर स्पैन कि वो मेरे पास है भी, वो नहीं है. वो आप कंक्लूड करके चलो मुझे 3 घंटे में ही नीट का पेपर खत्म करना है. एनीहाउ. राइट. सो आई थिंक मैम ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात कही. ओएमआर शीट को लेकर हम एकदम पैनिक हो जाते हैं और जो आंसर हम छोड़ रहे हैं उसी को मार्क कर देते हैं. राइट. सो आई थिंक अगर आपको इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो क्या डूज एंड डोंट्स है मे बी, तो हम ऐसा कुछ वीडियो प्रिपेयर बिल्कुल हमारी फैकल्टीज कर सकती है. प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. मेनिट कंडक्टिंग मेनिट स्कॉलरशिप टेस्ट MST ऑन 17th and 31st March. चूज द डेट दैट सूट्स यू बेस्ट. मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ बच्चे आई थिंक इन 2 महीनों में, लेट्स से कि जूलॉजी के लिए भी कोई रिविजन स्टार्ट जी, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो लास्ट मिनट आप देना चाहें कि 2 महीने रह गए हैं, इस तरीके का स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के लिए वैसे अलग अलग चीजें काम करती हैं, बट इन जनरल कि ये चीजें आप फॉलो करो तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. जैसे कि आपने बोला दैट इज स्टूडेंट स्पेसिफिक. राइट. बट आई यूजली से कि 2 महीने में आपको पहली चीज तो पढ़नी एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी के बाहर डू नॉट हसल, क्योंकि हमें पता है कि पेपर इज प्योरली एनसीईआरटी दैट यू हैव टू स्टडी एंड गो थ्रू. नाउ द मेजर टिप एंड ट्रिक आई से गो थ्रू दी चैप्टर्स फर्स्ट, गो थ्रू दैट चैप्टर्स जो कि आपको लगता है कि आपको कम आते हैं. डोंट रीड दी चैप्टर्स. मुझे पता है कि मुझे यार सेल है, जैसे सेल साइकिल या सेल चैप्टर है, मुझे सेल आता है पर मुझे सेल साइकिल नहीं आता.
ह्यूमन टेंडेंसी क्या रहती है कि यार इजियर वाला पार्ट हम पहले करेंगे. डोंट डू दिस. रिवाइज फर्स्ट दैट चैप्टर जो कि आपको लगता है कि आपके थोड़ा कम समझ में आया था. यू नीड टू गो थ्रू द टेस्ट अगेन और द रिवीजन अगेन. वो वाले चैप्टर्स पहले आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट. यहां पे ऑनेस्ट होना पड़ेगा. बिल्कुल. तो आपको पहले आप जॉटेड डाउन दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी में मुझे एक्सक्रीशन यूजुअली बच्चों को मुश्किल लगता है. केमिकल के डिजीजेस याद करने मुश्किल रखते हैं ना. तो वो जो चीजें हैं वो आप लोग राइट इट डाउन एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल. जब आप सुबह उठो गो थ्रू इट. एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स, एनसीआरटी के एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप लिख लो एक जगह पे. आप जब लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा एंड पेस्ट इट. सुबह उठो दो बार देख लो आपको अपने आप याद हो जाएंगे. राइट. तो जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स विच यू फील और यू फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट देन द इजियर वन. सेम विद दी होल ऑफ द बायोलॉजी एल्से, नॉट पर्टिकुलरली ऑफ द जूलॉजी, होल ऑफ द बायोलॉजी. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जो कि आर लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. तो जस्ट डू देम फर्स्ट. राइट. और वो हर हफ्ते में एक बार कर लो ताकि आपका उससे टच बना रहे. राइट राइट राइट. आई थिंक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही है क्योंकि अब दो महीने रह गए. हम प्रेशर की बात कर रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और इन दो महीनों में वो जो प्रेशर आ रहा होगा उनके ऊपर, उससे कैसे वो हैंडल करें? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है तभी आता जब मैंने रिविजन या मैंने थोड़ी सी कम पढ़ाई कराई करी है. ये दो महीने में थिंग्स आर अचीवेबल, ऐसा नहीं है. फॉर बायोलॉजी इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट था, वो जूलॉजी उसको अच्छी लगती थी पर वो बॉटनी में थोड़ा सा, ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी बॉटनी. में बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी है. तो बोला था यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे ना, यू यूज्ड टू डू दिस. तो व्हाइल ड्यूरिंग द टेस्ट ऑल्सो सेम थिंग, उसके पेपर में भी रिफ्लेक्ट होता था क्या बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर आ रहे हैं, बॉटनी में नहीं आ रहे. राइट. तो फॉर द टू मंथ्स ही वॉन्टेड इट वॉज ही फोकस्ड प्राइमरली ऑन बॉटनी. भाई अब ये बॉटनी कर देंगे अच्छे से कर देंगे. एंड ही डिड एक्चुअली. तो वो दो महीने में ही उसने पूरी बॉटनी को बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इक्वल लाके रख दिया. एंड ही स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो. तो अब मैं वही फिर से अगेन है ना. तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपको प्रेशर भी लग सकता है, बट उसकी एक ही वजह होती है जब आपने ऑनेस्टी से अपना काम नहीं किया, तैयारी तो पूरी नहीं है. तो अब आप ये दो महीने बी ऑनेस्ट विद यू दैट आई डोंट नो दिस एंड कॉन्टैक्ट एंड टॉक टू योर टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स. राइट. सबसे ज्यादा जरूरी है लगता है कि पेरेंट्स को भी पता हो कि हमारा बच्चा कहाँ पे वीक था, वो भी उनको हेल्प करें. पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इन ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इन दिस बिगर एग्जामिनेशन, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनका स्कूल में था. वो इन्वॉल्व रहते हैं तो बच्चा अपने आप डर से भी पढ़ता है और आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी पढ़ता है. राइट. माई पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, माई पेरेंट्स आर पेइंग दिस फीस, आई टू डू दिस मार्क्स, मुझे कॉलेज में भी जाना है. तो वो सब फैक्टर्स इसमें बहुत कॉन्स्टेंट प्रेशर. कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है वो आप पेरेंट्स से भी टॉक आउट करो, अपने टीचर से भी करो. तो वो एक्चुअली आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं कि आप मूव करिए कि एटलीस्ट यस यू स्कोर दिस मार्क्स, इतने इतना तो करके आएंगे तो इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे तो आपको एक सीट विल सिक्योर अ सीट. राइट. सो यू टॉक आउट टू योर टीचर्स, प्रिपेयर अ प्लान, अ स्ट्रेटजी दैट हाउ डू वी मूव अगले चैप्टर्स कैसे करने हैं, कौन से चैप्टर्स प्रायर पे करने हैं. क्योंकि वेटेज ऐसा नहीं कि अब मैं सपोजिटली केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स करने लग जाऊं जिसमें हार्डली वी सी लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन कम्पेयर टू दी चैप्टर जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. सो फोकस ऑन दी चैप्टर्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट एंड विच पुट मोर वेटेज इन द एग्जामिनेशन. राइट. तो वो ज्यादा जरूरी है इस केस के अंदर. ऑल राइट. सो आई थिंक ये जो हमारा सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा. और स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए. अगर आपके कोई भी ऐसी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि आपको हमारी फैकल्टीज हेल्प कर सकती हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस स्पेसिफिक एरिया में हमें हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो या वो किसी ऐसी चीज से रिलेटेड हो जिसको आप फेस कर रहे हैं. जैसे हमने सेल्फ डाउट, हमने बात करी कि मोटिवेशन डाउन हो सकती है इस टाइम पे, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. मैनेट कंडक्टिंग मैनेट स्कॉलरशिप टेस्ट MST ऑन 17th एंड 31st मार्च. चूज द डेट दैट सूट्स यू बेस्ट.